Assalamu alaikum everybody. I hope you all doing good. I'm back with another beautiful recipe and that recipe is butt कढ़ाई. लाहौर लक्ष्मी चौक की बहुत फेमस है और हम इसकी ऑथेंटिक रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं. तो लेट्स सी द इंग्रेडिएंट. हियर आई हैव चिकन विद मी. हाफ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा है. और मैं सबसे पहले चिकन लूँगी, उसमें मैं ऐड करूँगी अनियन पेस्ट. आप स्लाइस्ड अनियन भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल से वेदर चिकन इज़ देसी और ब्रॉयलर. आप स्लाइस्ड अनियन तब यूज़ कीजिए जब आपने मटन की कढ़ाई बनानी है, बिकॉज़ मटन को गलने में फिर भी देसी चिकन से भी थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम रिक्वायर्ड होता है. चिकन के साथ इसका जो चंक्स हैं वो दिखते रहते हैं, वो उस तरह आप उसको कढ़ाई में डिजोल्व नहीं कर सकते और बहुत ओवरली कुक भी हमें करना नहीं होता. सो आई एम यूजिंग दिस हियर. टमाटर क्योंकि जल्दी से गल जाते हैं तो मैंने इन्हें पील कर लिया है. एंड आई हैव टू नॉर्मल साइज टमेटोज. और उसके अलावा मैं दो की इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. फर्स्ट वन इज़ दिस, ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है. अगर आप इसकी अलग से रेसिपी चाहेंगे तो मैं आपसे एक शॉर्ट रेसिपी इसकी शेयर कर सकती हूँ. इसे मैंने पानी में बॉईल कर लिया है, 1 कप वाटर में. नॉर्मली ढाबा स्टाइल फूड जो भी मीट बना रहे होते हैं उनका की पॉइंट ये होता है कि वो लोग कभी भी उसका पेस्ट यूज़ नहीं करते जिंजर गार्लिक का. वो पानी में लहसुन अदरक को बॉईल करते हैं अच्छा सा और उसकी एक यखनी सी बन जाती है और वो उस यखनी को यूज़ करते हैं. मैंने यहाँ इसमें 2 टीस्पून जितना पेस्ट डाल के बॉईल किया है. मूव टू द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट. यहाँ हम एंड में जब ये कुक हो जाएगा उसके बाद हम योगर्ट ऐड करेंगे. धनिया और ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे. मैंने इसे तवे पे ड्राई रोस्ट करके और उसके बाद मैंने ग्रिन कर लिया. हियर आई हैव ब्लैक पेपर विद मी. यह है जी धड़ा मिर्च, रेड चिली फ्लेक्स और एंड में स्टार्ट में हमने इन सब चीज़ों को पानी में पकाना है. एंड देन आई यूज़ घी. अच्छा, आप इसे ऑलिव ऑयल में बना सकते हैं, आप इसे देसी घी में बना सकते हैं, आप इसे बटर में बना सकते हैं. इन तीनों चीज़ों में इट टेस्ट ट्रमेंडस. तो हेयर आई एम गोइंग टू यूज़ देसी घी. अच्छा जी, लास्ट चीज़, अब बारी आती है हमें इसको गार्निश करने की. तो आई विल यूज़ कोरिएंडर, धनिया, ग्रीन चिलीज और लेमन स्लाइसेस. ये देगी मिर्च भी मैं वाइल्ड कुकिंग ही इसके अंदर ऐड कर दूंगी. तो हम इसकी गार्निशिंग करेंगे. जिंजर, जूलियन जिंजर के मैं इसलिए ऐड नहीं करूंगी यहाँ पे, आप लोग ज़रूर ऐड कीजिएगा. थोड़ा सा उसकी अपेरेंस भी अच्छी हो जाती है, फ्लेवर और भी इन्हेंस होता है. लेकिन अगर गार्निशिंग में आप करते हैं तो इट्स वेरी गुड, बिकॉज़ माई हस्बैंड डजन लाइक जिंजर. तो मैं इसलिए गार्निशिंग में वो यूज़ नहीं कर रही. तो चलें स्टार्ट करते हैं. यहाँ ले लिया है मैंने चिकन कढ़ाई में. स्टोव ऑन करते हैं, अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं. सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो मैं ऐड करूँगी दैट्स 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, बिस्मिल्लाह, अनियन पेस्ट, 2 टीस्पून ऑफ रेड चिली फ्लेक्स, धड़ा मिर्च, यहाँ ऐड करेंगे हम अपने टमाटर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंग्रेडिएंट आई एम गोइंग टू यूज इज जिंजर गार्लिक सिरप. मैं तो यही कहूँगी. चलें इसे मिक्स करते हैं और देखते हैं कि हमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत है या नहीं. अच्छा, आपने इसमें कोई हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, इस तरह के कोई मसाले रूटीन वाले गोश्त वाले नहीं ऐड करने. यहाँ जी मैंने ले लिया ये गरम पानी, देखिए 1 स्मॉल कप. एंड दैट्स इट, मैंने फिर भी थोड़ा सा बचा लिया. आई विल कवर इट एंड लीव इट फॉर 10 मिनट्स. तो 10 मिनट्स हो गए. ये देखें टमाटर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं इसके अंदर. ये अब हम इन्हें एक एक बार बिठाएंगे और इंग्रेडिएंट्स अपने ऐड करते हैं.
यहाँ मैं ऐड करूँगी इसमें ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, थोड़ी सी हाफ गई है, 1 टीस्पून फुल होनी चाहिए। और अब इधर ऐड करूँगी मैंने धनिया और ज़ीरा पाउडर जो है वो 2 बार ऐड करना है। तो वाइल कुकिंग में ये 1/2 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ और एंड में 1/2 टीस्पून मैं दोबारा ऐड करूँगी। ये 3 देगी मिर्चें और अब हम इसे टमाटर बिठाएंगे, थोड़ा सा भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें योगर्ट ऐड करेंगे। ये कढ़ाई बिल्कुल भी ड्राई नहीं खाई जाती, बहुत माइल्ड सी लेकिन ग्रेवी होती है इसमें और सॉफ्ट क्रीमी ग्रेवी होती है। कोशिश करें टमाटर या कोई भी इंग्रेडिएंट नज़र ना आ रहा हो। तो फ्लेम कर दिया है मैंने थोड़ा सा हाई, इसे हम ज़रा सा ड्राई होने देंगे। जो पानी है मैं चाहती हूँ कि ये बस ड्राई हो जाए। और साथ ही ऐड करेंगे योगर्ट। मैंने 1 कप योगर्ट ली थी, 1 स्मॉल कप। ये ड्राई होगा और फिर हम देसी घी ऐड करेंगे। मैं यहाँ डालूंगी 3 से 4 टीस्पून जितना देसी घी। बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आ रहा है। तो जी द कढ़ाई इज डन। देखिए माशाल्लाह कितना बेस्ट सा लुक आया है, क्योंकि टू द ग्रेवी ऑल्सो चिकन बहुत अच्छे से गल गया है। अब हम इसमें अपने फाइनल इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। जीरा और धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून जितना ही, 1 पिंच ब्लैक पेपर। अब ये सारे गार्निशिंग स्टफ जा रहा है इसके अंदर। 1 पिंच जितना मैं इसके ऊपर डालूंगी गरम मसाला पाउडर। याद रखिएगा कि गरम मसाला मैंने वाइल कुकिंग बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। ग्रीन चिली, कोरिएंडर एंड सम लेमन स्लाइसेस। अब मैं इसे करूंगी डिश आउट और सर्व करूंगी तंदूरी रोटी और हमारे देसी सैलड के साथ। सो हियर कम्स द फाइनल टच, फाइनल लुक। मेरी बट कढ़ाई है रेडी। आई होप आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मैंने इसे सर्व किया है देसी सैलड के साथ, तंदूरी रोटी के साथ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स कि आपको रेसिपी पसंद आई है या नहीं। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू स्प्रेड द गुड वाइब्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स। I'll see you soon with another beautiful recipe. Take care. Allah Hafiz.